channel Suraj and Shambhvi TV. How are you today? So कुछ व्लॉग्स पहले आप सबको याद होगा कि मैंने कुछ बोला था कि बहुत बड़ा एक सरप्राइज है जो हम अभी नहीं बताएंगे बट टाइम आने पे बताएंगे. आई थिंक मैंने ऐसी कुछ बोला था. Exactly, तुमने बोला था कि keep guessing what's the surprise. Okay, तो किसी ने गेस किया था? I think कुछ लोगों ने गेस किया था पर हमने उसका जवाब नहीं दिया, वो भी इंस्टाग्राम में नॉर्मल कमेंट सेक्शन में नहीं. सूरज ओके, सो एनीवेज तो आज वो टाइम है कि हम वो सरप्राइज को रिवील करेंगे. और डू यू वांट टू डू इट? No, you take the privilege. Because okay. I'm blushing. So surprise ye guys that we are pregnant. Yes guys, I know you guys must be shocked and excited. Whoever is watching this video will take internet by storm. Whoever is kind of guessing that we are pregnant. And for people who were thinking कि मैं मोटी हो गई हूँ या हाँ कि कब से यार लोग बोल रहे हैं कि मोटी हो गई है. And या हम ज़्यादा रेगुलर व्लॉग्स नहीं बना रहे, उसका रीजन भी यही था that I was pregnant and I am pregnant. तो इसकी कुछ बैक स्टोरी कुछ ऐसे है कि आई थिंक शाम्वी को बताना चाहिए बिकॉज उसके लिए थोड़ा सा सरप्राइज थोड़ा सा अजीब था. तो आई थिंक शाम्वी इज अ बेटर पर्सन जो आप सबको बताए कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी और क्या था, मतलब इसके exactly. पता कैसे चला हमें. So सूरज probably came back from India last year and then we were just talking about it कि I think अब हम we should just kind of think about family planning and stuff like that. So we like चल ठीक है that's fine. So हम लोग अपना normal अपना health wealth पे ध्यान देने लग गए, wealth पे भी और health पे भी. एक सेकंड, बहुत ये this is extreme detailing. इतना detailing में जाने की जरूरत नहीं है. Okay. एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि we kind of एंड मैं एक्चुअली अपनी नॉर्मल होम्योपैथिक की नॉर्मल मेडिसिन लेती हूँ. तो हमारे घर पे या हम लोग कहीं बाहर जा रहे थे तो इट वॉज अ पार्टी एंड मैंने सूरज को बोला कि टेस्ट गोना बी नेगेटिव. सूरज इज लाइक इट कैन नॉट बी नेगेटिव तो चेक कर ले. आई एम लाइक सूरज इज गोना बी नेगेटिव फॉर श्योर, मुझे पता है. आई डोंट फील एनी सिम्टम्स, आई डोंट फील एनीथिंग बिकॉज इट्स हर बॉडी तो उसको एक्चुअली ज्यादा पता चलता है. ऑब्वियसली बात है बट टू बी सेफ मैंने उसे बोला कि टेस्ट कर ले एक बार यार, यू नेवर नो. बिकॉज हम लोग फुल लाइक पार्टी मूड में थे, पार्टी में खाना पीना तो चलता ही रहता है. तो सूरज लाइक टू टेस्ट कर ले. सो मैं अंदर गई, मैंने स्ट्रिप निकाली एंड आई चेक्ड. And usually, of course, when you're married, तो ऐसा कई बार होता है कि आप as a married couple कई बार चीजें ऐसी चीजें चेक कर लेते हो. So it's always false, and you're prepared for a false thing. It's not that it was an unexpected baby. We were planning for it, but it was an unexpected time because I thought that this is it. मैं बाहर आई, सूरज was prepared. Like सूरज का move was like एकदम क्या हुआ? I'm like I'm pregnant. मैंने उसको वो स्ट्रिप दिखाई जो मैं अभी नीचे लगाऊंगी स्क्रीन पे एंड आई वाज शॉक्ड. वी डिडंट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट वाज आवर रिएक्शन. वी वर इन शॉक. आई वाज कम्प्लीटली इन शॉक बिकॉज ऑब्वियसली यार जब आपका फर्स्ट किड होता है तब आपको आप ऑब्वियसली ये ऐसा एक सीन है कि आप ऑब्वियसली आप थोड़ा शॉक में हो जाते हो कुछ टाइम के लिए बिकॉज ऐसा तो नहीं कि मेरे 10 बच्चे और मैंने बड़े बच्चे पाले हुए हैं बट टाइम के साथ वो चीज हमने रियलाइज करना शुरू कर दिया और हम यू नो उस सिचुएशन को अडेप्ट करना शुरू कर दिया. बट इनिशियली जब वो चीज पता चली थी तब मैं थोड़ा सा शॉक में आ गया था. आई नो इट वॉज लाइक क्रेजी एंड एक्साइटमेंट पूरी थी बिकॉज इसको कोई सिम्टम्स नहीं थे. आई मीन ऐसा कुछ हमें नहीं लगा था कि यूजुअली जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको लगता है कि भाई बड़ा कुछ चीजें and things like that. फिर हम लोग एक्चुअली कंफर्म करने अपने डॉक्टर के पास गए. So are you excited? Very excited today. I think I'm confused between the weeks, but I'm very excited to hear the heartbeat today. So it's the first scan. First official scan for the pregnancy, and I'm nervous yet excited. और मेरे डॉक्टर ने प्रेगनेंसी कंफर्म करी कि it's going pretty well. You're like 4 weeks pregnant. Going 2 weeks before, now the due date is 17th, but she still says it's not going to be accurate. Just have your usual supplements and things like that, and welcome on board on a parent's journey. And then मैं और सूरज तो we were like अभी भी हम यही सोचते हैं कि wow what a journey it has been a great journey. That's why probably we are kind of slow in making vlogs because कई बार इसको मेरे mood swings के साथ deal करना पड़ता है क्योंकि situation आपको पता ही ऐसी है कि मेरे family से या शाम्भवी की family से इंडिया से कोई अभी आ नहीं पा रहा है because of you know why. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इस टाइम पे जॉब भी मैनेज करना और साथ में फिर घर के भी काम, और शाम्भवी भी प्रेग्नेंट है तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड साथ साथ में व्लॉग्स भी बनाना, तो थोड़ा सा हम लोगों ने आपको शायद इतना फुलफिल नहीं कर पाए होगी बिकॉज यू आर वेरी रेगुलर, लाइक 2 व्लॉग्स हम पोस्ट करते थे, बट एज वी ग्रू इन आवर प्रेगनेंसी मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो गया था बिकॉज आई वॉज जस्ट फीलिंग सिक समटाइम्स। अलग अलग ट्राइमेस्टर की जर्नी जो मैं अपने आगे वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी प्रॉब्ली, मैं अब वो उसका एक अलग सेक्शन में बना चुकी हूँ विच आई पोस्ट फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू बी प्रेग्नेंट और हु ऑलरेडी मॉम, हु आर माय फैंस और सूरज फैंस, हु दे वांट टू नो। सो अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि थोड़े व्लॉग्स रेगुलरली डालेंगे, या एंड बड़ा कुछ दिखाना है आपको, बड़ा कुछ हुआ है इस पूरे। और वो सेगमेंट जो था वो क्या है, वो सूरज, उसका नाम है प्रेगनेंसी डायरीज विद शाम्भवी। हाँ, तो जो फंकी फ्राइडे जो था जो हमने बंद कर दिया था, तो अभी जो नेक्स्ट है वो है प्रेगनेंसी डायरी विद शाम्भवी। सो दैट इज आल्सो एपिसोड 8 जस्ट टू टेल यू एग्जैक्टली हाउ डिड आई फील इन माय प्रेगनेंसी जर्नी। तो इसमें आई थिंक शाम्भवी ज्ञान नहीं बांट रही है, बट इसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रही है एज अ यंग फुल टाइम पेरेंट एंड वुड बी मम हु इज वर्किंग। एंड गाइस सच्ची में कई बार अब तो तुम बता सकते हो कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मैनेज व्हेन यू डोंट हैव पेरेंट्स अराउंड, यू हैव नो हेल्प, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको पता नहीं होता आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, आपको समझ में नहीं आता। टाइम डिफरेंस भी है कि आपको अगर कुछ पूछना भी है तो आपको वेट करना पड़ता है, तब तक कॉल नहीं कर सकते। एंड जो यहाँ पे कजन्स हैं भी और जो फ्रेंड्स हैं भी, वो भी इतने एक्सपीरियंस नहीं है जो तुम्हारी मदर्स होती हैं और जो दादियां होती हैं, उनके जो नुस्खे होते हैं, उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको जो ज्ञान है इस चीज का वो बेस्ट है। आई थिंक उनका ही जितनी नॉलेज उनके पास है वही लेना और उन्हीं की सुनना एक्चुअली सबसे बेस्ट होता है, और वो हम दोनों ही मिस कर रहे थे। एग्जैक्टली, तो हमारी जर्नी तो 90% it was all about Google articles. Touch wood, my midwives are great, and babies also started kicking. So Suraj baby is Suraj's favorite. जब सूरज उठता है तो baby wakes up. जब सूरज सोता है तो baby sleeps. And then this is the best time where I actually make him feel my stomach, where the baby is kicking and he can feel the moments and everything. I'm like सूरज, तो सूरज का हाथ मैं पेट में रखती हूँ। So ये सारे moments हमने actually बहुत enjoy किए हैं। तो हम जैसे कि हम सुपरस्टिशियस हैं और हम लोग 2-3 महीने बाद फैमिली को बताते हैं, तो वैसे ही हमने किया था। और उसकी भी कुछ वीडियोस हैं हमारे पास जो हम शेयर कर रहे हैं, जो हमने अपनी फैमिलीज को बताया और फिर उन्होंने कैसे केक काटा या व्हाटएवर। हमने केक एक्चुअली यहाँ से भेजा था, तो उसकी भी कुछ वीडियोस हैं। और फर्स्ट स्कैन की हमारी वीडियो है, देन वी हैव अ वीडियो ऑफ 8th वीक का स्कैन, मेरा एक्चुअली स्कैनिंग रूम में। सो ये व्लॉग प्लीज गाइज एंटायर एंड तक देखना, क्योंकि जब हम बात करना बंद करेंगे तो हमारी जर्नी की वीडियो शुरू होगी। हाँ, और थोड़ा सा व्लॉग लंबा होगा, सो प्लीज बेयर विद अस, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है जो हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते थे, जो हमने की थोड़ी सी लेट की है अगेन फॉर होली रीजंस एज वेल एज हमको एक्चुअली इतना टाइम नहीं मिला था टू मेक दिस। हम लोग एक्चुअली कितने दिनों से ट्राई कर रहे हैं कि ये पार्ट शूट करें और इसको एडिट करके हम लोग लगाएं, बट टाइम नहीं मिला। बट एनीवेज, आप कभी भी आप एक गुड न्यूज सुनाओ तो गुड न्यूज ही रहता है, उसकी वो कम नहीं हो जाता। So are you excited? Very excited today. I think I'm confused between the weeks, but I'm very excited to give the heartbeat today. So it's the first scan. It's the first scan, first official scan for the pregnancy, and I'm nervous yet excited. Super exciting time. We were going 2 weeks before, now the due date is 17th, but she still said it's not going to be accurate. So. हाँ, मेरे को ही मम्मा कहती है आपको भी शाम्भवी गुड न्यूज देगी। Congratulations, celebrations, everyone is on the way. Congratulations, celebrations. And we cannot, we want to wait for the berry, baby berry on the way. Baby berry, Shambhvi Suraj, congratulations for Dadi Bunny, for Dadi ji, congratulations, Choti Dadi, Nanya, Bua, Pramod Bua ban gayi Bua, and baby's first. सूरज और शाम्भवी दोनों का आप भी बैठो डैडी। मैंने कहा एक फर्स्ट टोकन तो बनता है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। I know. It's my gender reveal scam and I'm so excited. As you can see, मेरे चेहरे पे अलग ही खुशी है. And I'm very excited. So we're about to go in. We don't know the gender yet, and we're not going to open the envelope until we have the gender reveal party. So it's very exciting. So actually ये 5th month है. Yeah. तो आज हमको जेंडर पता चलेगा, बट हम पता नहीं करने वाले कौन सा जेंडर है. जस्ट बी अ सरप्राइज. सो हम डॉक्टर से आ चुके हैं और मैंने बाल भी कटा लिए हैं और हमें इसके अंदर जेंडर है और हमें पता नहीं है और हमने पता भी नहीं करना जब तक हम मुझे हो रही है थोड़ी सी इम्पेशेंस. मुझे बहुत पेशेंस है. मैं जब तक पार्टी नहीं होगी तब तक हम एक्चुअली जो हमने सोचा है कि हम पार्टी पे रिवील करेंगे तभी रिवील करेंगे. So guys, thank you for being part of us, and now you know it's such a special feeling to have our baby sharing the same channel with you guys, who's going to be coming in our lives very soon. तो जैसा प्यार आपने हमें दिया है, दे रहे हैं, तो आने वाले व्लॉग्स हो सकता है कि हमारे हाथ में बच्चा हो और वो भी हो पार्ट और उसको भी खूब प्यार दीजिएगा एंड सपोर्ट करिए. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग फॉर मी. आई नो फॉर लॉट ऑफ पीपल दे मस्ट बी लाइक, ओ माय गॉड, शाम्भवी इज बिकमिंग अ मदर और सूरज इज बिकमिंग अ डैड. बट guys, trust me, I would want to say this. Nothing can beat this feeling what I'm feeling right now, or maybe Suraj is feeling to become a parent. We've had our fun, we've had our, you know, the time of going to clubs and all. हर चीज का एक phase होता है. It goes back. मतलब ये नहीं होता है कि you stop going to clubs and things like that. तुम्हारी life रुक जाती है. Exactly. Actually, एक new journey, एक life चालू होती है. चालू होती है एंड इन अ डिफरेंट वे चालू होती है. सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू गाइज वॉन्ट योर चाइल्ड टू बी एंड हाउ यू गाइज वॉन्ट टू मैनेज योर टाइम विद ईच अदर एंड मेक व्लॉग्स एंड डू एवरीथिंग दैट यू वांटेड टू. बट आई नेवर थॉट दैट आई विल बी फीलिंग दिस एंड सूरज विल बी फीलिंग दिस. सो इट इज अ ग्रेट फीलिंग. सो वी वर लाइक फुली प्रिपेयर्ड टू हैव अ चाइल्ड. इट वॉज नॉट लाइक अ सडन एक्सीडेंट चाइल्ड एंड ऑल. तो हम बहुत ज्यादा खुश है. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज. आई होप आपको इस न्यूज को सुन के थोड़ी सी खुशी मिली हो, और अगर आपको खुशी मिली हो और आपको खुशी हुई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना. एंड आगे और अच्छे वीडियोस आएंगे. अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे बिकॉज यू नो अभी हम छुपा नहीं रहे. अभी ऑब्वियसली हमने डिस्क्लोज किया, तो अभी हम लोग वीडियोस और बना सकते हैं. और आई होप आपको ये जो इस सारी अपने वीडियोस इससे पहले देखी उसमें भी आपको मजा आया होगा. तब तक के लिए गाइज, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए. लव टू यू ऑल. सी यू. बाय.